सिद्दीक, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको नेक सोमाल में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिब्बत क्रीम को यूज़ करने के बहुत ही गलत तरीके। अगर आप भी इस तरीके से तिब्बत क्रीम को यूज़ कर रहे हैं तो आज ही इस क्रीम को इन तरीकों से यूज़ करना छोड़ दें। आपके फेस पर जितनी भी छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, ब्लेमिशेस, मिलाजमा है, पिंपल्स हैं, एक्नी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है और आपकी ऑयली स्किन है, तो इन तरीक़ों से आप अपने फेस के ऊपर इस तिब्बत क्रीम को मत यूज़ कीजिए। तिब्बत क्रीम अरके गुलाब में मिक्स करके लगाने की क्या लॉजिक भाई? पूरे फेस के ऊपर अरके गुलाब स्प्रे करो और तिब्बत क्रीम को अप्लाई कर लो, सिंपल। कुछ लोग इसको वाइटनिंग कैप्सूल्स के साथ यूज़ करते हैं मिक्स करके। वाइटनिंग कैप्सूल्स में स्टीरॉयड होता है जो स्किन को बहुत तेज़ी से डैमेज करता है, स्किन पतला होना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन स्टीरॉयड की आदी हो जाती है, इसलिए इन कैप्सूल्स के साथ इसको मत यूज़ कीजिए। कुछ लोग इसको फेयर एंड लवली क्रीम के साथ मिक्स करके तिब्बत क्रीम यूज़ करते हैं, भाई दोनों मिक्स करने की क्या ज़रूरत है, एक ही अपने फेस पर अप्लाई कर लो। तिब्बत क्रीम को पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद चीनी से इसका मसाज किया जाता है जो कि एक्नी वालों के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा आपकी स्किन पर रैशेस भी हो सकते हैं। तिब्बत क्रीम को लेमन के साथ बहुत ज़्यादा वाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्रीम को लेमन में मिक्स करके यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा वाइटनिंग के लिए। इसके अलावा तिब्बत क्रीम को मिक्स किया जाता है टमाटर के जूस में बहुत ज़्यादा वाइटनिंग के लिए। इस तरह टूथपेस्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर और तिब्बत क्रीम के साथ, दो चीज़ों के साथ गोरे होने की ये गलत फहमी मैंने आपकी दूर कर दी। इन चीज़ों से आप बिल्कुल भी अवॉइड करें, आपकी एक्नी, आपकी पिंपल्स, छाइयाँ मज़ीद आपके बढ़ सकते हैं, आपके मसले, आपकी स्किन पतली हो सकती है, आपकी स्किन पे रैशेस और रेडनेस भी बढ़ सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।